7 सितंबर अभी मॉनसून उड़ीसा में एक्टिव ही है। पिछले 24 घंटे में सभी जगह में रेनफॉल हल्का से मध्यम हुआ है। हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है। कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, रायगढ़, गजपति, बालासोर, मयूरभंज, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। हाइस्ट रेनफॉल था सिमलीगुड़ा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का 158.0 मिलीमीटर, उसके बाद नवरंगपुर 115.0 मिलीमीटर, बुधगांव कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में 107.0 मिलीमीटर, हमारा भुवनेश्वर सिटी में लाइट रेनफॉल था 2.9 मिलीमीटर। स्टेट एवरेज रेनफॉल स्वाभाविक से ज्यादा ही था, 18.4 मिलीमीटर हुआ है, स्वाभाविक होता है 11.0 मिलीमीटर। और अभी सीजनल जलफल जो है 1 जून से आज 7 सितंबर तक स्वाभाविक रेंज में ही है। रेनफॉल हुआ है 867.9 मिलीमीटर, स्वाभाविक का होता है इस समय तक 984.9 मिलीमीटर, 12% कम है बट स्वाभाविक रेंज में ही है। और अभी फोरकास्ट अगला 5 दिन के लिए हमारा जो है नेक्स्ट 24 आवर्स में, अगला 24 घंटा में सभी जगह में ही बारिश हल्का से मध्यम होने का चांसेस है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह करके हो सकता हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का पॉसिबिलिटी ज्यादा है संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, बड़ागढ़। और हैवी रेनफॉल का पॉसिबिलिटी है मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, नवरंगपुर, नोआपाड़ा, कालाहांडी, बलांगीर, सोनपुर, बौद्ध, देवगढ़, अंगुल, केवंझर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। फिर कल भी हमारा नॉर्थ उड़ीसा में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ही, साउथ उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश होने का पॉसिबिलिटी है। हैवी रेनफॉल भी एक दो जगह में होने का चांसेस है, बड़ागढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज, संबलपुर, देवगढ़, अंगुल, कटक, ढेंकनाल। फिर 9, 10, 11 सितंबर में बारिश कम ही रहेगा उड़ीसा में, कैटाडोई में बारिश रहेगा, कुछ कुछ स्थानों पर बारिश होगा हल्का से मध्यम, हैवी रेनफॉल का वार्निंग नहीं है। बट 12 तारीख से फिर रेनफॉल एक्टिविटी उड़ीसा में इंक्रीज करने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में अगला 2 दिन में एक दो स्पेल्स करके हल्का से मध्यम बारिश होने का पॉसिबिलिटी है। 9, 10, 11 में मोस्टली जनरली क्लाउडी स्काई रहने का चांसेस है।